क्लास सिक्स की तालिबे इल्म अस्सलाम वालेकुम। आपका सब्जेक्ट है इस्लामियात और आपका मिकात बोयम का चैप्टर नंबर वन मिकात बोयम का आदाब अखलाक। चैप्टर नंबर वन है सबर है सबक नंबर 8 और पेज नंबर 34। बच्चों जब हम सबर के बारे में पढ़ते हैं या सुनते हैं तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए सबर कहते किसको है। सबर के लफ्जी मायने हैं बर्दाश्त करना, रोकना। ये सबर का असल मफहूम है, यानी कि अल्लाह ताला की तरफ से जो भी मुश्किल, जो भी परेशानी हमें भेजी गई है वो सिर्फ अल्लाह की तरफ से। जब अल्लाह ने दी है तो अल्लाह ही दूर करेगा। उसके सबर करना किसी किस्म का शिकायत करना या किसी किस्म का कुछ भी एतराज करना, इल्जाम किसी पे इल्जाम तराशी करना कि फला ने ऐसा कर दिया था, ऐसा हो गया, ये गलत है। क्योंकि अल्लाह से बल्कि कोई ताकत नहीं। अल्लाह ही मुसीबत देने वाला होता है, अल्लाह ही मुसीबत से निकालता है। बच्चों आपको पता है जिस तरह हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी, उनके सहाबा कराम की जिंदगी, तमाम अंबिया कराम की जिंदगी सब्र तहम्मुल के बेशुमार वाकयात से भरी पड़ी थी। और आपको ये भी पता होना चाहिए अल्लाह ताला हमेशा अपने नेक बंदों की आजमाइश लेता है और जो उस आजमाइश में पूरे उतरते हैं तो अल्लाह ताला उनको उनके दर्जात बुलंद करता है और उनके सब्र का बहुत बड़ा इनाम देता है जिसको हम लफ्जों में बयान नहीं कर सकते। जिस तरह इसमें आपके आपके चैप्टर में पहला जो वाकया बताया गया है कि जैसे अबू तला अंसारी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ही बरगजीदा साहबी थे। अबू तला ने जिहाद पे गए और वहाँ जब गए थे तो उनका बेटा बीमार था और जब वो वापस आए तो उनका बेटा मर गया था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने दर्स व तदरीस ली थी, इसलिए वो सबर के आला दर्जे पर फाइज थे। लेकिन जब आप वापस आए, आपकी बीवी साहबिया थी, यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबी थी, ये साहबिया था, और लेडीज जब औरत साहबी होती थी तो साहबिया कहते हैं, तो नहायत ही आला दर्जे का सबर का मुकाबला किया। उन्होंने मुकाबला किया और मुजाहरा किया और उन्होंने आपके बेटे की मैयत दूसरे कमरे में छुपा दी। लेकिन जब उनको पता चला, हजरत अबू तला अंसारी को पता चला, तो आपने नहायत सब्र सुकून किया, अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला की अमानत थी और उसने वो वापस ले ली, क्योंकि सबको एक दिन अल्लाह ही की तरफ वापस जाना है। और अल्लाह ताला का बुझाना है, जिंदगी अल्लाह की अमानत है, कब किसकी जिंदगी खत्म हो जाए ये किसी को नहीं पता। बच्चों जैसे कि आप पढ़ चुके हैं गजवा अहद के मौके पर मुसलमानों को बहुत ज्यादा जानी नुकसान हुआ, ये बहुत ज्यादा जानी नुकसान हुआ। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग से वापस आए तो तमाम साहबियात अपने अपने अजीजों की, अपने अपने शौहरों की खैरियत पूछने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जमा हो गई। किसी हमना बिनते हजस जिन्होंने अपने भाई का हाथ पूछा और फिर उसमें सब्र किया। उसके बाद हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर को बेदर से शहीद कराया था। इनकी लाश को तीन दिन तक शहर के दरवाजे पर लटाए रखा। तो हजरत असमा आपकी वालदा बुढ़ापे कमजोर जो भी यह दर्दनाक मंजर देखकर बजाय रोने पीटने के सब्र सुकून से काम लिया। बच्चों इस तरह की बेशुमार मिसालें जो है वो हमारी इस्लामी तारीख का हिस्सा है जिसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। और हमें भी अल्लाह ताला के दिए भी दी की तकलीफों का, मुश्किलों के वक्त सब्र करना चाहिए, सब्र का मुजाहरा करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला अपने साबिर बंदों को बहुत पसंद करता है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है, इन्नल्लाह मा साबरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। इसलिए किसी बंदे से गम और शिकवा शिकायत करना बेकार है, फजूल है। क्या अल्लाह कोई किसी बंदे में इतनी ताकत नहीं जो किसी को मुसीबत या तकलीफ पूरा कर सके। ये सिर्फ अल्लाह ताला ही इससे निजात दे सकता है, अल्लाह ताला ही देने वाला है। और ये सारे वाकयात और सारी दरसो तदबीर जो मैंने नबी ने हमें दी और तमाम अंबिया कराम की जिंदगी से हमें मालूम हुई, ये हमारी काबिले तकदीर नमूना है। अल्लाह ताला जब किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो उसके दर्जात बुलंद करता है, यानी कि उसे बुलंद मुकाम अता करता है दुनिया में भी और आखिरत में भी। और जब उसे तरक्की देता है तो उसे किसी दुख ना तकलीफ में भी मुबतला कर देता है।
जब बंदा इस पर सबर करता है तो अल्लाह ताला इसके दर्जात मजीद बढ़ाता चला जाता है। पांच मरतबा अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को, नेक बंदों को, मुखलिस बंदों को और राज़िक़ुल अक़दा बंदों को आजमाइश के लिए चुनता है और उनसे और वो लोग इस आजमाइश में साबित कदम रहते हैं और जिससे अल्लाह ताला उनको बुलंद दर्जात, बुलंद मुकाम अता करता है, अता करता रहेगा जो उसकी जो अहकाम इलाही पर लब्बैक कहता रहेगा। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होकर इरशाद फरमाया, आप सबर कीजिए जिस तरह औलाद रसूलों ने सबर किया, जिस तरह औलाद आपसे पहले आने वाले रसूलों ने सबर किया। एक बार एक सहाबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, सबसे ज्यादा मुसीबत किस पर आई? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पैगंबरों पर, फिर इस तरह दर्जा ब दर्जा लोगों पर। तो बच्चों, इससे साबित हुआ कि मुसीबत या रंज में या गम का आना बड़े दर्जे की बात है। इसका सबूत यह है कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि सरदार अंबिया थे, इसलिए सबसे ज्यादा तकलीफ, सबसे ज्यादा मुश्किल आपने से ही, जब आप बचपन में या अपने के बाद आपके वालदेन आपको छोड़ के चले गए, फिर आपके दादा, और इसके बाद फिर सालों आप एक घाटी में कैद रहे और अपने अबाइशर मकाम को छोड़ना पड़ा। आपने जंगे लड़े हैं, अपने चचा वगैरह के की शहादत का सदमा उठाना पड़ा, अपनी बेटी का सदमा उठाना पड़ा, इस तरह बहुत सारे सदमा से आपकी जिंदगी भरी पड़ी है। आपने दर्स तदरीस में बहुत ज्यादा अजियत उठाई, पत्थर खाए और आप लहूलुहान हो गए, लेकिन आपने किसी को बद्दुआ नहीं दी बल्कि सबर किया, क्योंकि आपको पता था ये सब अहकाम इलाही है। अल्लाह ताला उन्होंने कहा कि ना तो उन्होंने कहा अल्लाह ताला इनकी गलतियों को माफ कर दे और इन्हें हिदायत दे, और यकीनन वक्त ने साबित कर दिया कि ऐसा ही हुआ। अल्लाह ताला ने बच्चों, अल्लाह ताला ने हमें सबक सिखाने के लिए बहुत से अंबिया कराम भेजे। हम क्योंकि उम्मत मोहम्मद यानी आखिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में है, तो आपकी सीरत तैयबा, आपकी पूरी जिंदगी हमारे लिए दर्ज का दर्जा रखती है। कुरान मजीद में इसका बार बार जिक्र किया गया है। अल्लाह ने फरमाया है, मुसलमानों, तुम्हारे लिए अल्लाह का रसूल बेहतरीन नमूना है, क्योंकि तुम मुसलमान हो, ये तुम्हारी पूरी जिंदगी अल्लाह ताला के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के मुताबिक होना चाहिए, उनकी सीरत के मुताबिक होना चाहिए, उनके उस्वाए हुस्ना के मुताबिक होना चाहिए, और हर वक्त अल्लाह ताला को कसरत से याद करते रहना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है, ऐ मुसलमानों, तुम्हारे अल्लाह का रसूल बेहतरीन नमूना हर एक शख्स के लिए जो अल्लाह और आखिर के दिन पर यकीन रखता हो, अल्लाह को बकसरत याद करता हो। ये नहीं कि हम गमजदा है, परेशान है, तो हमें अल्लाह याद आ रहा है, लेकिन जब अल्लाह ताला हमें गमों से निकाल देते तो हम अल्लाह को इस तरह भूल जाते हैं जैसे हमने उसे कभी याद ही नहीं किया था। ऐसे ही होता है ना, हम अपनी जिंदगी में ऐसे इन्हीं अवामी पर चल रहे हैं, हालांकि ये हमारी भूल है कि हमें हर वक्त चाहे खुशी हो चाहे गम हो, चाहे हमारी जिंदगी में अल्लाह ताला ने हमें तमाम आसाइशें दी हो या हमसे आजमाइश हुई, हर वक्त हमें अल्लाह को याद रखना चाहिए और अल्लाह ताला के हुजूर सबर करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला सबर करने वालों को बुलंद दर्जा और मुकाम इनाम अता करता है, और शैतान सबर करने वालों से खुद भाग जाता है और उनसे पना मांगता है। तो बच्चों, यकीन आपको समझ में आ गया होगा कि सबर कितनी बड़ी खूबी है और हर मुसलमान का शेवा है कि वो सबर करे और अल्लाह से अपनी मुसीबत और परेशानी के लिए दुआ करे, शिकवा ना करे, दुआ करे। अल्लाह ताला तमाम कुल उम्मत मुस्लिमा को परेशानियों दुख से निजात दे। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर हाजिर होंगे। आज का चैप्टर खत्म होता है। अल्लाह हाफिज़। हो गया, कंप्लीट हो गया।